आज आप कांग्रेस के नेताओं के घर पे ईडी भेजते हैं। परसों जैद आके पिताजी से, वही कांग्रेस का नेता अगर फोन पे सेटिंग कर ले तो वो ईडी जो है अपना रास्ता कैसे भूल जाती है। हमने इनको अंग्रेजों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए देखा था, तो जो चाय बेचने की बात करते थे हमने उनको देश बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। अरे गर्व की बात है कि देश की सबसे पहली और सबसे पुरानी राजनीतिक दल, जो एक राजनीतिक दल नहीं है, जिसने आज के भारत का नींव रखा है, उस पार्टी का हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। जब हम अपने पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं तो हमको कुछ बात अपने दिमाग में, अपने जहन में उतारने की जरूरत है। सबसे पहली बात यह है कि जब हम नागपुर में यहां मना रहे हैं तो जो लोग नागपुर को संघ भूमि बनाना चाहते हैं उनको हम चुनौती देना चाहते हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी, जब तक इस देश में एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, अपने रक्त के आखिरी कतरे तक नागपुर को संघ भूमि नहीं दीक्षा भूमि बना करके रखेगा। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि जिस देश में हत्यारों का गाना गाया जा रहा है उस देश में महात्मा गांधी पैदा हुए हैं, और महात्मा गांधी ने जिस पार्टी को बनाया है, जब तक वो पार्टी जिंदा रहेगी तब तक आप इंसान को इंसान से नहीं लड़ा सकते हैं। हम बोलते रहेंगे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम यह तराना गाता रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और जब आज हम पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कि हैं तैयार हम, तो किस बात के लिए तैयार हैं हम? हम तैयार हैं इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए। आप तैयार हैं कि नहीं है? इतनी जोर से आवाज लगाइए कि यह आवाज नागपुर से दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। आप तैयार हैं कि नहीं है? हम तैयार हैं इस देश की जमहूरियत को बचाए रखने के लिए। हम तैयार हैं इस देश में कमर तोड़ महंगाई को समाप्त करने के लिए। हम तैयार हैं इस देश के नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए। हम तैयार हैं महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को समाप्त करने के लिए। हम तैयार हैं आजाद देश में आजादी की रक्षा के लिए हम तैयार हैं। यह हमारा संकल्प है। और जब हम इस संकल्प को दोहरा रहे हैं तो एक चुनौती भी हम लोगों को समझना पड़ेगा भाइयों। चुनौती यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों को एक अनुभव हुआ होगा कि जब आप किसी पॉकेटमार को ट्रेन में पॉकेटमारी करते हुए पकड़ लेंगे तो पॉकेटमार इतना चालाक होता है कि वही जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देता है। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? आज हमारे साथ इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी, महात्मा गांधी की पार्टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू की पार्टी के साथ भी यही हो रहा है कि हमने चोर को चोरी करते हुए फिर से पकड़ लिया है। हमने इनको अंग्रेजों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए देखा था, तो जो चाय बेचने की बात करते थे हमने उनको देश बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। और जब हमने उनको देश को रंगे हाथ बेचते हुए पकड़ लिया है तो पॉकेटमार को जब पकड़ लीजिएगा तो वो चोर चोर चिल्लाने लगेगा। वो कहते हैं कि कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार लेकर के आई। एक सवाल हम पूछना चाहते हैं। आज आप कांग्रेस के नेताओं के घर पे ईडी भेजते हैं, परसों जय शाह के पिताजी से वही कांग्रेस का नेता अगर फोन पे सेटिंग कर ले तो वो ईडी जो है अपना रास्ता कैसे भूल जाती है, वो पता कैसे भूल जाती है? इसका मतलब यह है कि जो पार्टी देश की पार्टी है उस पार्टी को देश के आम लोगों के नजर में बदनाम किया गया है। और देश के आम लोगों के नजर में इसलिए बदनाम किया गया है कि अगर आप कांग्रेस के प्रति अपनी भावना छोड़ देंगे तो देश में कोई आपकी बात करने वाला नहीं रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए इस मंच से मैं आप तमाम लोगों से एक बात की अपील करना चाहता हूं कि हे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं,
जब आप चाय की दुकान पर बैठते हैं, जब आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, जब आप बसों में चलते हैं, जब आप खेतों में चर्चा करते हैं, दफ्तरों में चर्चा करते हैं, तो एक बात को याद रखिएगा, एक बात को याद रखिएगा कि सामने वाला जब आपको जलील करता है ना, तो वो आपको जलील करने से पहले अपने माँ बाप को जलील कर रहा होता है, अपने पूर्वजों को जलील कर रहा होता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश का इतिहास है, वर्तमान है और इस देश की आम आवाम का भविष्य है। यह बात हमको समझना पड़ेगा।